तुला राशि वालों, 24 मई शुक्रवार का दिन अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध मंगल के साथ सिद्ध योग शिव योग में आज का दिन आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। जब दिन की शुरुआत होगी उस समय सर्वा सिद्धि योग सुबह 5:26 से 10:10 तक अनुराधा नक्षत्र में शनि का प्रभाव सर्वा सिद्धि योग और शिव योग में आज का दिन आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र 10:10 के बाद सौभाग्य सुख और आपकी कुंडली में बुध मंगल के प्रभाव से धन का लाभ होगा। आपके लिए नौकरी व्यापार में तरक्की का अवसर प्राप्त होगा। सुख समृद्धि आपके जीवन में देखने को मिलेगा और भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा, क्योंकि बुध आपके भाग्य का स्वामी है। आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जहां लग्न के ऊपर बुध की दृष्टि है। धन भाव में बैठा चंद्रमा आज बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बना रहा है। मंगल के साथ नवम पंचम योग, वहीं बृहस्पति का सूर्य शुक्र के साथ त्रिग्रही राजयोग बनाना, मंगल का राहु के साथ गोचर करना और शनि का आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करना विशेष तौर पर काफ़ी लाभकारी रहेगा। आज सुख समृद्धि के साथ सफलता कामयाबी की प्राप्ति भी करेंगे। आप भाग्यशाली भी होंगे। जीवन में तरक्की और धन कमाने का अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। सिद्ध योग में आपके कार्य सिद्ध होते हैं। सुखद समाचार की प्राप्ति होती है। कार्य की सिद्धि अभिलाषा को पूरा करता है, बड़ी उपलब्धि देता है। आप विजयी बनते हैं, सांसारिक सुखों का भोग करते हैं, कामयाबी सफलता की प्राप्ति होती है और जीवन में भाग्य का साथ भी मिलता है। परिश्रम से सुख भोगते हैं, अपने कर्म से तरक्की पाते हैं। नई संभावना आपके जीवन को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। आज आपके लिए बहुत लाभ का योग है। धन संपत्ति सौभाग्य का योग है। प्रेम संबंध संतुष्टि देगा, आनंद की अनुभूति होगी, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और आपकी इच्छा आज पूरी होगी। राहु काल का विशेष तौर पर ध्यान रखें। 10:35 से 12:18 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। शानदार अवसर आपके जीवन में सफलता और सुख लेकर आएगा। आज पश्चिम दिशा की तरफ से दिन आरंभ ना करें। जीवन में ज़्यादा सुख संपत्ति लाभ और उत्साह के लिए आज उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करेंगे तो जीवन में खुशी भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, महत्वाकांक्षा भी पूरा होगा, परिस्थिति भी आपकी बदलेगी और मनवांछित सफलता आपको प्राप्त होगा। आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगा। आज आपके लिए शानदार दिन है, भाग्यशाली योग है। जीवन की सारी बाधाएं दूर होगी और तुला राशि वालों के लिए लाभ तरक्की सौभाग्य का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 24 मई शुक्रवार का दिन ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शिव योग अनुराधा नक्षत्र में शनि के प्रभाव के साथ दिन आरंभ होगा। 10:10 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र और 11:22 के बाद सिद्ध योग शिव योग में अपनी शक्ति से आप बड़ी तरक्की उन्नति भाग्य और सुख की प्राप्ति करते हैं। शिव योग में आपके काम की शुरुआत बड़ा लाभकारी होता है। अपने कर्म से शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं, भाग्य का साथ मिलता है और शनि के प्रभाव से आपके जीवन में बड़ी उन्नति देखने को मिलती है। शनि का गोचर आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। आज तुला राशि वालों की कुंडली के पंचम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। 10:10 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का उदय और बुध का प्रभाव, बुध इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जहां बुध की दृष्टि
आपकी कुंडली के लग्न के ऊपर है। बुध आपके भाग्य का स्वामी होकर आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। लग्न के ऊपर बुध की दृष्टि से भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। शुक्रवार का दिन है। 11:22 के बाद सिद्ध योग है। सिद्ध योग में संपत्ति कारोबार में धन लक्ष्मी का आगमन होता है। नया काम शुरू करने के लिए समय शुभ होता है। कार्य की सफलता आपके जीवन में तरक्की और सुख लेकर आता है। भाग्य आपका साथ देता है। शुभ संयोग में तरक्की उन्नति होती है। आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनवांछित सफलता इच्छित फल की प्राप्ति होती है। सामर्थ्य आपका बढ़ता है। सिद्ध फल। तुला राशि वालों के लिए आज आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बृहस्पति सूर्य शुक्र का गोचर हो रहा है। वहीं आपकी कुंडली के द्वादश में केतु का गोचर और छठे भाव में मंगल राहु की युक्ति है। सिद्ध योग में जब ऐसा योग बनता है तब आपके जीवन में चौगढ़िया का समावेश होता है। अमृत की सिद्धि और जीवन में बेहतर परिणाम की प्राप्ति सिद्ध फल प्रदान करने वाला सिद्ध योग ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के प्रभाव से आपके जीवन में एक नई शुरुआत करता है। जीवन में खुशियां बढ़ती है। आपकी लोकप्रियता बढ़ती है। धन का लाभ होता है। नए कार्य की शुरुआत होती है। पराक्रम ऊर्जा आपके जीवन में सुख देता है और भाग्य का सितारा बुलंद होता है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि का गोचर और आपके लिए अनुराधा नक्षत्र में शनि का प्रभाव महत्वाकांक्षा आपकी पूरी करता है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है। उन्नति तरक्की की प्राप्ति होती है। आज मेहनत के दम पर आप बड़ी सफलता पा सकते हैं क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी बुध आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठकर लग्न के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा है। नौकरी व्यापार के लिए समय बेहतर है। आपके संकट दूर होंगे। तरक्की आपके जीवन में आरंभ हो जाएगा। कार्य की सफलता नई ऊंचाइयों पर आपको पहुंचाएगा। आपकी स्थिति मजबूत होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली होंगे। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। व्यापार में धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा। दिन आपके लिए बड़ी तरक्की उपलब्धि लेकर आएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में जीवन में बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त करते हैं। बुध के प्रभाव से जीवन सुखी हो जाता है। आज दिन आपके लिए लाभकारी है। बड़ी सावधानी से अपने काम को करते हुए आप जीवन में मेहनत के दम पर हर असंभव काम को संभव कर लेते हैं। सफलता कामयाबी शोहरत इज्जत जीवन आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो जाता है। वहीं आज राहु और मंगल की युक्ति से आपके अंदर साहस का संचार होगा। स्थिति आपके अनुकूल होगी और जीवन में हर समस्या का समाधान आप कर पाएंगे। आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी दिन है। ऐसे में जीवन के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। संतुष्टि आपके जीवन में बढ़ती है। लाभ सौभाग्य का सुख मिलता है। अनुकूल स्थिति जीवन में सुख लेकर आता है। बृहस्पति के प्रभाव से आप धन कमाते हैं। धन और मान सम्मान की प्राप्ति बृहस्पति से होता है जबकि शनि के कारण अपने कार्य को आप सफलता से पूरा करते हैं और शनि के कारण ही आपके जीवन में तरक्की और खुशी देखने को मिलती है। आज तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का धन भाव में गोचर करना धन संपत्ति से आपको परिपूर्ण बनाएगा। आज आपके रुके हुए काम में गति आएगी। बड़ी उपलब्धि तरक्की और सांसारिक सुखों का आप भोग करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में ये समय बड़ा लाभकारी है जो सुख संपत्ति से परिपूर्ण बनाता है जो आपको भाग्यशाली बनाता है। शनि मंगल और बुध के प्रभाव से आप भाग्यशाली होंगे स्वाभिमानी होंगे। अपने स्वाभिमान के लिए आज आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपके जीवन में तरक्की उन्नति का योग है। जीवन की परेशानी दूर होगी। बृहस्पति की शुभ दृष्टि से सफलता और कामयाबी का योग बन रहा है। बृहस्पति का चंद्रमा के साथ सब सप्तक योग बनाना आपकी स्थिति को बेहतर बना रहा है।
और मंगल का चंद्रमा के साथ नवम पंचम योग बनाना नौकरी व्यापार के लिए शुभ लाभ का अवसर दे रहा है। आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी दिन है, सौभाग्यशाली योग है। आज का दिन आपके लिए जीवन में अनेक प्रकार का सुख है और सौभाग्य लेकर आएगा। अपने आलस का त्याग करके आप जीवन में ज़्यादा धन कमा सकते हैं, बड़ी सफलता पा सकते हैं। मंगल के कारण आज आपके अंदर सामर्थ्य इच्छा शक्ति जागृत होगी। धन संपत्ति का योग है। आज का दिन आपके लिए लाभकारी है। आज आपका गुड लक आपके लिए बड़ी सफलता और सुख समृद्धि का सुंदर अवसर प्रदान करेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में तुला राशि वालों के जीवन में बड़े लाभ होता है। बहुत परिस्थिति बदलती है क्योंकि बुध आपके भाग्य का स्वामी होता है। आप बेहद आकर्षक हो जाते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। हर काम को मेहनत से करते हैं और अपने जीवन में निष्ठा से कार्य करते हुए तेज गति से जीवन का सुख है और उन्नति प्राप्त करते हैं। आज का दिन आपके लिए बेहतर दिन है। समस्या आपकी समाधान होगी और जीवन में बेहतर परिणाम की आप प्राप्ति करेंगे। आज राहु काल 10:35 से 12:18 पे राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पश्चिम दिशा की तरफ से दिन आरंभ ना करें। आज ब्रह्म योग 4:04, सर्वा सिद्धि योग 5:26 से 10:10, अभिजीत मुहूर्त 11:51 और विजय मुहूर्त 2:36 आपके लिए काफी लाभकारी होगा। शिव योग सिद्धि योग में अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में शनि बुध मंगल के प्रभाव से आज का दिन आपके लिए अभिलाषा को पूरा करने वाला, वांछित सिद्धि और कर्म का फल देने वाला विशेष संभावना बना रहा है, जिससे आप जबरदस्त लाभ कमाएंगे। जीवन की परेशानी बाधा दूर होगी, शुभ काम की शुरुआत होगी और दिन आपके लिए आपकी क्षमता को बढ़ाने वाला, वांछित परिणाम देने वाला लाभकारी दिन साबित होगा। तो आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।